जो इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट होता है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था, और उसमें हमने आपको ये बताया था कि इक्विलिब्रियम में ऐसा होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जो काम करने वाले फोर्सेस होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में जो काम करने वाले फोर्सेस होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। इधर काम करने वाला फोर्स इधर के इक्वल होगा और इधर काम करने वाला फोर्स इधर के इक्वल होगा। बच्चों, ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एग्जाम्पल हमारे सामने ये है कि एक पॉइंट हमें दिया है, ये इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है एफ विद मेकिंग अ एंगल ऑफ 30 डिग्री। भाई हम लोगों को एक पॉइंट दिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है, एक फोर्स काम कर रहा है नीचे और एक फोर्स काम कर रहा है इधर। जो फोर्स इधर काम कर रहा है वह है 20 न्यूटन और जो फोर्स नीचे काम कर रहा है वह है 10 न्यूटन। समझ आ रही बच्चों बात? या 10 न्यूटन आप छोड़ दीजिए, जो फोर्स नीचे काम कर रहा है ना स्टूडेंट हमारा, इसे हम लोग नाम दे देते हैं F1। हमने कहा कि भाई ये एक पॉइंट है हमारे पास में, पॉइंट का नाम है P और ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, पॉइंट P इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द वैल्यू ऑफ F एंड F1। प्रॉब्लम ये है हमारे पास में, जरा ध्यान से समझिएगा, इन द गिवन फिगर पॉइंट P इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द वैल्यू ऑफ F एंड F1। ठीक है, ये है भाई प्रॉब्लम हमारे पास में। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम सही मायने में बहुत आसान है, बहुत मुश्किल प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम इतनी आसान है कि हम बड़े प्यार से इस प्रॉब्लम को बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। भाई इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि इस डायरेक्शन में काम करने वाला फोर्स इधर के बराबर और इधर काम करने वाला फोर्स ऊपर काम करने वाला नीचे के बराबर। मुझे एक बात बताइए, ये वैल्यू कितनी है एफ और ये एंगल कितना है 30, तो इधर कितना जाएगा? जिस तरफ एंगल बनता है उस तरफ कॉस चला जाता है। ये एफ है, ये 30 है, इधर चला जाएगा एफ कॉस 30। ओके, अब आप मुझे ये बताइए कि ये एफ है, यहाँ कोई एंगल नहीं बन रहा है ना? एंगल तो बन रहा है लेकिन एंगल लिखा हुआ नहीं है। जिधर एंगल लिखा हुआ होता है उधर कॉस जाता है और जिधर एंगल लिखा हुआ नहीं होता है उधर हमारा साइन जाता है। बच्चों, समझ आ रही बात? तो एफ के मैंने कॉम्पोनेंट्स ब्रेक कर दिए और जब मैंने एफ के कॉम्पोनेंट्स को ब्रेक किया तो रिजल्ट मेरे पास में बना ये, इधर चला गया एफ कॉस 30, ऊपर चला गया एफ साइन 30, इधर चला गया 20 न्यूटन, नीचे चला गया F1। हम ये कहते हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जो काम करने वाले फोर्सेस होते हैं ना बच्चों, वो आपस में इक्वल होते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में काम करने वाले फोर्सेस आपस में इक्वल होते हैं तो हम एक काम करेंगे, ऊपर काम करने वाले को नीचे वाले के बराबर रखेंगे। हम लिखेंगे F साइन 30 इज इक्वल टू F1, इक्वेशन नंबर 1। ऊपर की तरफ ये काम कर रहा है, नीचे की तरफ ये काम कर रहा है, तो ये इसके बराबर हो गया और ये बराबर हो गया इसके। दूसरे वाले को हम बराबर रखेंगे, 20 इज इक्वल टू एफ कॉस 30। ठीक है, चलो देखो हम प्रॉब्लम बनाएंगे कैसे। भाई कैसे प्रॉब्लम बनेगी बच्चों, जरा देखो, 20 इज इक्वल टू एफ कॉस 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, सो एफ की वैल्यू हमारी निकल गई 40 अपॉन अंडर रूट 3 न्यूटन। लो भैया ये निकल चुका है हमारा यहां से एफ, एफ को उठाओ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, एफ की वैल्यू यहां पर, जब एफ की जगह आप लोग रखेंगे ये 40 अंडर रूट 3 और साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास में 1/2 और ये बराबर है F1 के, 2 से ये कैंसिल आउट,
F1 हमारा निकल चुका है स्टूडेंट 20 अपॉन अंडर रूट 3 न्यूटन. दिस इज द वैल्यू ऑफ F1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ F. इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट के लिए, फॉर इक्विलिब्रियम, अगर कोई पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम में है बच्चों, तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये सिचुएशन है. और अपोजिट डायरेक्शन में जो काम करने वाले फोर्सेस हैं, ऊपर की तरफ काम करने वाला नीचे वाले के बराबर है और इधर काम करने वाला इधर वाले के बराबर है. हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है बच्चों, ठीक है. आप लोग जल्दी से नोट डाउन करिएगा, फिर हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है. जल्दी बनाइएगा बच्चों, फास्ट. वीडियो को पॉज करके भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिख सकते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2, देखिए भाई एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, ध्यान से जरा. एक फोर्स काम कर रहा है इधर, ठीक है, एक फोर्स हमारा इधर काम कर रहा है, एक फोर्स हमारा इधर काम कर रहा है, ठीक है. इसकी जो वैल्यू है वो है 20 न्यूटन और ये वाला एंगल है 60 डिग्री. ओके स्टूडेंट, इसकी वैल्यू है हमारे पास में F, ये वैल्यू है 45 डिग्री, और एक फोर्स नीचे काम कर रहा है F1. ये है भाई प्रॉब्लम बच्चों. बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. सही मायने में ये एक ऐसा सवाल है जो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करेगा. फिजिक्स में सबसे मायने रखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स, वो कितने स्ट्रांग है, किस तरीके से हम प्रॉब्लम को देखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों. किताबी भाषा पढ़ाने को मैं आपको किताब रटवा दूँ पूरी, एक एक डेरिवेशन मैं आपको रटवा दूँ, लेकिन ना तुम्हें उसमें कोई फ़ायदा है ना मुझे उसमें कोई फ़ायदा है. काम ऐसा होना चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हों, आपके डेरिवेशन भी क्लियर हों और आपके न्यूमेरिकल अप्रोच भी क्लियर हों. अगर आपके स्कूल एग्जाम में कोई ऐसा पेपर बने जिसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा आ जाए और डेरिवेशन कम आ जाए, आप उसे भी सॉल्व कर सकें. और अगर कोई ऐसा पेपर बने जिसमें डेरिवेशन ज़्यादा आए और न्यूमेरिकल कम बने, आप उसे भी सॉल्व कर सकें. हर पेपर को सॉल्व करने लायक आप लोगों को बनना है. अभी हमारे आसपास के क्षेत्र में, इन्वायरमेंट में अगर हम अपने आसपास देखें, तो बच्चा 99% स्टूडेंट इस तरीके से प्रिपेयर है कि अगर डेरिवेशन और थ्योरी आ गई तो हम सॉल्व कर देंगे, और अगर न्यूमेरिकल आ गए तो हमें दिक्कत हो जाएगी. बस इसी चीज़ से हम लोगों को बचना है. हम लोगों को हर कंडीशन के लिए तैयार रहना है बच्चों. क्वेश्चन कैसा भी क्यों ना आ जाए, किस तरीके का भी क्यों ना आ जाए, हम हर कंडीशन के लिए रेडी रहे, ठीक है. प्रॉब्लम ये है हमारे पास में, इन द गिवन फिगर, इस पॉइंट का नाम है बच्चों पॉइंट पी. इफ पॉइंट P is in equilibrium. Find the value of F and F1. आपको F और F1 की वैल्यू निकालनी है अगर ये पॉइंट P हमारा इक्विलिब्रियम में है बच्चों. अब कैसे करेंगे हम प्रॉब्लम को सॉल्व, ये आपको समझना है. देखो यार, सबसे पहले हम इस 20 वाले के कंपोनेंट्स को ब्रेक कर देते हैं. ये जो 20 वाला है ना बच्चों, ये जो 20 वाला दिख रहा है, इसके कंपोनेंट मैंने ब्लैक बना दिए हैं, ब्लैक, ठीक है. ये 20 है, ये 60 है, इधर एंगल लिखा हुआ है तो इधर जाएगा 20 cos 60, इधर एंगल लिखा हुआ नहीं है तो इधर जाएगा 20 sin 60, जाएगा 60 ही, इतना ध्यान रखिएगा. इस 20 वाले के कंपोनेंट्स को मैंने ब्रेक कर दिया बच्चों, समझ आ रही बात. ओके, अब इसके कंपोनेंट मुझे ब्रेक करने, देखो मैंने इसे पिंक बनाया, पिंक, तो इसके कंपोनेंट जब मैं ब्रेक करूंगा, ध्यान से, इसका नाम है F, ये वाला एंगल है 45, ये F, ये 45, तो इधर जाएगा F cos 45, इधर एंगल लिखा हुआ नहीं है, इधर जाएगा F sin 45. भाई आप ये देखो बच्चों कि जब मैंने इसका कंपोनेंट ब्रेक किया तो ब्लैक वाले कंपोनेंट जो हैं वो 20 न्यूटन के हैं,
और ये जो पिंक वाले कंपोनेंट है ये एफ के हैं, एफ इधर जा रहा है, इधर 45 है तो इधर चला गया एफ कॉस 45, इधर चला गया एफ साइन 45। अब हमारे पास में कंडीशन ये है बच्चों, हम ये कह सकते हैं फोर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए इधर फोर्स जो होगा, इधर जो फोर्स काम करेगा वो इधर काम करने वाले फोर्स के बराबर होगा। ये बताओ कि इधर फोर्स कितना काम कर रहा है, 20 साइन 60, और इधर कितना फोर्स काम कर रहा है, एफ साइन 45। भाई इक्विलिब्रियम यही तो कहता है, इक्विलिब्रियम क्या कहता है बच्चों, इक्विलिब्रियम यही कहता है कि इधर काम करने वाला फोर्स इधर काम करने वाले फोर्स के बराबर होगा। तो ये बराबर हो जाएगा इसके, हम लोग लिखेंगे 20 साइन 60 इज इक्वल टू एफ साइन 45। चलो भैया करते हैं इसे सॉल्व और देखते हैं कि क्या कंडीशन बनेगी। 20 साइन 60 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3/2, एफ साइन 45 को हम लिख सकते हैं 1/√2। ये इससे कैंसिल आउट, ये आ गया 10, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, एफ की वैल्यू आ गई 10√6 न्यूटन। लो भैया एफ निकल गया हमारे पास में इतना, 10√6 न्यूटन, इधर वाले को हमने इधर वाले के बराबर कर दिया। अब ऊपर वाले को नीचे वाले के बराबर करना है, जरा बताओ ऊपर की तरफ कितने फोर्स काम कर रहे हैं, दो, एक ब्लैक वाला और एक पिंक वाला, और नीचे की तरफ काम कर रहा है सिर्फ एक और वो है रेड वाला। तो ये दोनों ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं, यानी इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हम एक काम करेंगे बच्चों, इन दोनों को ऐड करके इसके इक्वल रखेंगे हम लोग। देखो नीचे की तरफ काम कर रहा है F1 और ऊपर की तरफ काम कर रहा है 20, cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2, प्लस F की वैल्यू आई है हमारे पास में ये 10√6, और cos 45 की वैल्यू हो गई है 1/√2, इससे ये कैंसिल आउट, ये आ गया 10, ये बना 10 प्लस इससे ये कैंसिल आउट 10√3। तो देखो F1 की जो वैल्यू बनी है ना हमारे पास में स्टूडेंट, वो बनी है इतनी। भाई F1 हमारे पास में बन चुका है ये, F1 की वैल्यू बनी है हमारे पास में ये 10√1 प्लस √3, और F की वैल्यू बनी है 10√6। बस इतना आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बच्चों, कि जिस क्वेश्चन में भी ये आ जाएगा ना कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, पूरा सिस्टम रेस्ट में है, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर, हर बात को लिख लिया करें कि भाई कौन सी बात हमें कैसे बताई जा रही है। अगर किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ ऐसे आता है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या पूरा सिस्टम रेस्ट में है, तो इसका मतलब यह है कि अपोजिट डायरेक्शन में इधर काम करने वाला फोर्स इधर काम करने वाले फोर्स के बराबर होगा, और ऊपर की तरफ काम करने वाला फोर्स नीचे की तरफ काम करने वाले फोर्स के बराबर होगा। इस तरीके से हम कंडीशंस को बनाएंगे बच्चों, ठीक है, करिए जल्दी से नोट डाउन, फिर हम लोग आगे बात